जवाब दिया है, मैया मुझे रोटी दो और माखन दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो मैया ने माखन रोटी दी है लाला को और जवाब दिया है श्याम सुंदर के, मैया चिंता करने की कोई बात नहीं है। माखन रोटी खा करके श्याम सुंदर आगे चले हैं और जाकर के ग्वाल वालों को बुलाया है, का दामा हेलो हेलो हेलो, जवाब दिया है भैया दामा, हाँ भैया मनसुखा को बुलाया, दामा को बुलाया, सभी ग्वाल वालों को बुलाया और कहा भैया हाँ आज मेरा मन कर रहा है गेंद खेलने के लिए, गेंद खेलने के लिए, गेंद खेलो, लेकिन एक बात है हाँ मेरे पास गेंद नहीं है। तो गेंद नहीं है ना, तो मेला में चले आओ भैया हाँ, और तू परी गेंद से हमें खिला ले, हम भैया नहीं, क्यों अगर तेरी गेंद खोएगा तो तेरी गेंद दूसरी बनवाए देंगे, दूसरी नहीं हाँ क्यों, जब गेंद हमारी बहुत पुरानी है, तेरी गेंद और कहाँ से आई है, जा हाँ जा बहुत दूर से आई है, दूर को नाम बता, समझ ली हो तू, समझ में तू समझ ली नहीं तो कोई बात नहीं, अम्मा की नानी समझ जाइयो, नानी की अय्या, अय्या की बुआ और बुआ की भतीजी, बताओ कई बात भाई, तो कैसे काय नहीं कैसे भैया, हाँ हाँ अपनी गेंद मुझे दे दो, गेंद नहीं दी, अरे खो जाए तो दूसरी ले लेना, दूसरी नहीं एक शर्त है, अगर हमारी गेंद खो जाए तो हमें वही गेंद चाहिए, जब बता जब हमारी गेंद आती तब तू खूब दौड़ दबाए बाए खेल रात तो पर अपनी गेंद सर से लगाए रो, नहीं तो तू हमें ले आए जाती, हम घर जाते, तो जब तेरी गेंद खोए जाए तो हम तेरी गेंद और दूसरी बनवा देंगे, लेकिन वो गेंद हम कहां से देंगे, नहीं हमें वही गेंद चाहिए, अच्छा हाँ चल कोई बात नहीं, तुझे हम वही गेंद देंगे, वही दियो हाँ खाओ अम्मा के संग, तुम्हारी अम्मा के संग वही देंगे, हमारी अम्मा के संग खाए, अपनी अम्मा के संग खा, अरे भैया अपने संग खा रहे, तुम्हारी अम्मा के संग हम वही गेंद देंगे, अपनी अम्मा के संग, चल कोई बात नहीं हम तो वही गेंद दे देंगे, ठीक है। श्याम सुंदर चले हैं और जाकर के जब उस काली तट पर पहुंचे हैं और कन्हैया दामा मनसुखा सभी ग्वालवाल आज टोल को मारने लगे हैं, किस तरीके से और क्या बोला,